हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एपिसोड में हमें राइनर और उसके ग्रुप की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे वो टाइटन वॉरियर्स बने और कैसे उन्होंने पैराडाइस आइलैंड पर अटैक किया। साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि ये घायल सिपाही आखिर कौन है। और चलिए शुरू करते हैं अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 3 को, जिसका नाम है द डोर ऑफ होप। एपिसोड 3 की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जब राइनर एक बच्चा था। राइनर की मदर उसे एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर उनके साथ क्यों नहीं है। उसके फादर असल में एक मार्लियन है और इस देश में ये लीगल नहीं है कि कोई मार्लियन किसी एल्डियन से शादी करे या उससे कोई भी रिश्ता रखे। वो रोते हुए कहती है कि काश हम भी मार्लियन होते। और राइनर अपने उसी बेड पर लेटे हुए सोचता है कि उस वक्त मैं एक वॉरियर बनना चाहता था ताकि मुझे और मेरी माँ को भी मार्लियंस के बराबर का दर्जा मिले। इसके बाद हम छोटे राइनर को इंटेंस ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। ये ट्रेनिंग वॉरियर बनने के लिए थी और टाइटन वॉरियर बनने के लिए 7 लोगों को चुना जाता है। जीक, पीक, एनी, राइनर, बेर्थोल्ट, मार्सल और उसका भाई पॉर्को। जीक इन्हें बताता है कि कुछ सालों में मार्ली पैराडाइस आइलैंड पर अटैक करने वाला है और जल्द ही हम 7 में से किन्हीं 6 लोगों को टाइटन पावर्स मिलने वाली हैं। राइनर ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि अब वो भी मार्लियन बन जाएगा। पॉर को कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुम ही होंगे जिसे कोई टाइटन नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है, तुम यहाँ तक भी इसीलिए पहुँचे हो क्योंकि तुम मार्ली के लिए बहुत वफादार हो। तुम मेरे और मार्सल जैसे ताकतवर नहीं हो, ना ही बेर्थोल्ट और पीक जैसे इंटेलिजेंट और ना ही एनी जैसे लड़ाई में माहिर। इसके बाद राइनर और पॉर्को में बहस होती है और पॉर्को राइनर को एक पंच मार देता है। मार्सल पॉर्को को रोकता है और फिर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बेर्थोल्ट राइनर के पास ही रुकता है और उसे हाथ देता है। राइनर रोते हुए कहता है कि मुझे मार्लियन बनना है ताकि मैं अपने मॉम और डैड के साथ रह सकूं। लेकिन उसने सही कहा, मैं सबसे कमजोर हूँ। बेर्थोल्ट बोलता है कि ऐसा नहीं है, वफादार होना भी एक खासियत ही है। वहीं एनी पीछे से एक कीड़े को कुचलने में लगी हुई थी। बेर्थोल्ट राइनर से पूछता है कि क्या तुम सच में यही चाहते हो, क्योंकि फिर तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए बस 13 साल ही बचेंगे। राइनर कहता है वो दुनिया की नज़र में एक हीरो बनना चाहता है और वो पैराडाइस के डेविल्स को मिटाकर पूरी दुनिया को बचाएगा। इसी के साथ हम छोटे एरन को भी देखते हैं जो आसमान को घूर रहा था। वहाँ आर्मिन भी अपनी बुक लेकर आता है। इसके बाद हमें नए टाइटन वॉरियर्स का इंट्रो देखने को मिलता है और ये सभी एक वॉर में थे। सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल टाइटन को, जो कि काफी तेज और मजबूत है। ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हार्ड कर भारी वार कर सकती है। साथ ही ये अपने आसपास के प्योर टाइटन्स को भी बुला सकती है। फीमेल टाइटन दिया जाता है एनी को। आर्मर टाइटन, जिसके पूरे शरीर पर आर्मर है, ये दिया जाता है राइनर को। छोटा और तेज जॉ टाइटन मार्सल को, जो कि अपने पंजों से कुछ भी चीड़ सकता है। इस सब में सबसे बड़ा टाइटन है बीस्ट टाइटन, जो कि लॉन्ग रेंज अटैक के लिए सबसे अच्छा है, और ये मिलता है जीक को। कार्ट टाइटन मिला है पीक को। कार्ट टाइटन की खासियत है कि वो महीनों तक अपने टाइटन फॉर्म में रह सकता है। कार्ट टाइटन अपने मुंह से एक बॉक्स निकाल कर रख देती है जिसमें बेर्थोल्ट बैठा था, और बेर्थोल्ट को मिला है साइज में सबसे बड़ा कोलोसल टाइटन, जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। और ये सब मिलकर एक दुश्मन देश का नामो निशान मिटा देते हैं, और मार्ली ऑफिसर्स इन्हें दूर से ही देख रहे थे। और दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ बीस्ट टाइटन ही था जो कि सीजी था, बाकी सभी टाइटन्स पर 2D एनिमेशन किया गया है जो कि कमाल लग रहा है। खैर, मेगाथ बोलता है कि हमने जितना सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये अभी बच्चे हैं, क्या इन्हें पैराडाइस पर भेजना सही है। जिस पर उसका सुपीरियर बोलता है कि ये लोग बिल्कुल तैयार हैं। अब क्योंकि पॉर्को ही रह गया था जिसे टाइटन पावर नहीं मिली थी, तो वो राइनर पर चिल्लाता है कि उसके जैसा लूजर कैसे पास हो गया। मार्सल अपने भाई को वहाँ से ले जाता है और राइनर को सॉरी भी बोलता है, लेकिन किस लिए ये हमें आगे पता चलेगा। अब ये चारों टाइटन वॉरियर्स पैराडाइस पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जीक और पीक यहीं रहते हैं क्योंकि अगर सारे टाइटन्स भेज दिए तो मार्ली देश कमजोर हो जाएगा। रैली के दौरान राइनर को अपने फादर भी दिखते हैं और राइनर उसके पास जाकर कहता है कि वो भी एक मार्लियन है और अब हम साथ में रह सकते हैं। लेकिन उसका फादर राइनर को देख घबरा जाता है और बोलता है, यहाँ से चले जाओ एल्डियन डीमन, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी फैमिली को मार दिया जाएगा। तुम्हारी माँ से अब कोई रिश्ता नहीं रखना। अब ये सब सुन राइनर को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ये चारों पैराडाइस आइलैंड पर जाने लगते हैं। अब राइनर का एक ही मकसद था कि उस पर भरोसा करके उसे आर्मर टाइटन दिया गया है, तो मैं पैराडाइस आइलैंड के राक्षसों से
पूरी दुनिया को बचाऊंगा। चारों पैराडाइज आइलैंड पहुंच जाते हैं। ये रात के समय सफर कर रहे थे ताकि इन्हें प्योर टाइटन का खतरा ना हो। ये एक जगह रुककर वॉल मारिया को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। इनका प्लान बस इतना था कि ये वॉल मारिया को तोड़ेंगे, यहाँ के लोगों को मारेंगे और राजा से फाउंडिंग टाइटन छीनकर वापस मार्ली लौट जाएंगे। इसी दौरान ही मार्शल राइनर से माफी मांगता है और सच्चाई बताता है कि उसने मिलिट्री के सामने अपने भाई की बुराई की थी और राइनर की तारीफ की थी, जिससे उसके भाई को टाइटन पावर ना मिले, क्योंकि सभी टाइटन शिफ्टर्स 13 साल के बाद मारे जाते हैं। ऐसा कर मार्शल ने अपने भाई को बचाया है, इससे पहले कि राइनर ये बात प्रोसेस कर पाए कि वो आर्मर टाइटन का सही हकदार नहीं था। सुबह हो जाती है और उनके ठीक पीछे एक प्योर टाइटन निकल कर आता है, जो हम जानते हैं कि यीमिर है। वो राइनर को खाने ही वाली होती है, लेकिन मार्शल उसे धक्का दे देता है और वो टाइटन मार्शल को ही उठाकर खा जाती है। राइनर डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। एक पेड़ के पास जाकर वो ये सोचता है कि शायद बेर्थोल्ट और एनी को भी उस टाइटन ने खा लिया और मेरा हाल भी यही होगा। ये सोचकर राइनर रोने लगता है, लेकिन तभी बेर्थोल्ट और एनी भी भागते हुए यहाँ आ जाते हैं। एनी कहती है कि आज तो तुम इतना जोर से भागे कि तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। हमारा लीडर मार्शल मारा जा चुका है और उन्हें ये मिशन कैंसिल कर वापस लौट जाना चाहिए। राइनर उन्हें रोकते हुए कहता है कि अब वो मिशन को छोड़कर नहीं जा सकते। एनी कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें मारकर तुमसे आर्मर टाइटन छीन लिया जाएगा। जिस पर राइनर बोलता है कि मार्शल की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, तुम दोनों भी वहाँ से भाग गए थे। हम फाउंडिंग टाइटन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। अब ये सुन एनी कहती है कि अगर तुमने यही हिम्मत थोड़ी देर पहले दिखाई होती तो मार्शल भी अभी जिंदा होता। सारी गलती तुम्हारी है। इसके बाद एनी राइनर को बुरी तरह से पीटने लगती है और कहती है कि हम कोई चूजन वॉरियर्स नहीं हैं। मार्लियंस, एल्डियंस सब झूठे हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, और मैं बस जिंदा अपने घर लौटना चाहती हूँ। इतना कहकर एनी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन राइनर उठकर एनी पर अटैक कर देता है और उसे चोक करते हुए कहता है कि राइनर मर चुका है, तुम्हें एक लीडर चाहिए तो अब मैं मार्शल की कमी पूरी करूंगा। वहीं बेर्थोल्ट इन दोनों को बस देख रहा था। खैर, प्लान के हिसाब से अगले दिन बेर्थोल्ट कोलोसल टाइटन बनकर शिगानशिना का डोर तोड़ देता है, ठीक जैसा हमने एपिसोड 1 में देखा था। दोस्तों, यहाँ पर मांगा के काफी सारे सीन्स कट किए गए हैं। असल में एनी फीमेल टाइटन बनकर इन दोनों को अपने कंधे पर बैठा कर शिगानशिना तक लाती है और इनके पीछे ढेर सारे प्योर टाइटन्स पड़े होते हैं, लेकिन एनी अपने टाइटन को ओवरयूज करने की वजह से काफी थक जाती है और यही कारण था कि सिर्फ कोलोसल और आर्मर टाइटन ने ही शिगानशिना पर अटैक किया था। खैर, वॉल में छेद करने के बाद जब बेर्थोल्ट वापस ह्यूमन फॉर्म में आता है तो वो अपने पास उसी स्माइलिंग टाइटन को देखता है, जो कि हम जानते हैं कि डायाना है, लेकिन वो बेर्थोल्ट को कुछ किए बिना ही अंदर चली जाती है। इसके बाद राइनर वॉल मारिया का दूसरा इनर गेट तोड़ देता है और यहाँ पर सीजन 1 के सीन को ही फिर से यूज किया गया है। अब इन केओस के बीच राइनर, एनी और बेर्थोल्ट रिफ्यूजी शेल्टर्स में घुस आते हैं। एनी को होश आता है और बेर्थोल्ट उसे बताता है कि वो लोग वॉल रोज के अंदर हैं। राइनर इन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं असली वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। इसी शेल्टर में हम कुछ जाने पहचाने लोगों को देख सकते हैं, एरन, आर्मिन और मिकासा। इसके बाद ये मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं। राइनर ने एरन को जो कहानी सुनाई थी कि कैसे उनके छोटे से गांव को टाइटन्स ने बर्बाद कर दिया था और बस वो तीनों ही उस गांव में जिंदा बचे थे, वो भी एक दूसरे आदमी की थी जिसने बाद में फांसी लगाकर सुइसाइड कर लिया था। कुछ सालों बाद हम एनी को देखते हैं, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का पीछा कर रही थी। अब इनके हिसाब से फाउंडिंग टाइटन यहाँ के किंग के पास है, लेकिन हम जानते हैं कि वो टाइटन ग्रीशा ने ले लिया था और अब वो एरन के पास है। खैर, जिसका पीछा एनी करती है वो और कोई नहीं बल्कि कैनी द रीपर है, जो उस समय राजा के लिए काम कर रहा था। लेकिन कैनी को इस बात का पता चल जाता है कि एनी उसका पीछा कर रही है। एनी बताती है कि वो अंडरग्राउंड में अपने फादर को खोजने आई है और शायद तुम मेरे डैड हो। लेकिन कैनी इतनी आसानी से उल्लू बनने वालों में से नहीं था, तो एनी उसे एक किक मारती है जिससे वो बच जाता है और फिर एनी यहाँ से भाग निकलती है। एनी अपने दोस्तों को बताती है कि अब वो और जासूसी नहीं कर सकती, उस आदमी ने मेरा चेहरा देख लिया है और उन्हें फाउंडिंग टाइटन को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब राइनर प्लान बनाता है कि हम दूसरी वॉल रोज को भी तोड़ देंगे, फाउंडिंग टाइटन अपने लोगों को बचाने सामने जरूर आएगा। जिस पर एनी कहती है कि इसमें तुम्हारे बहुत सारे दोस्त भी मारे जाएंगे। राइनर कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, वो लोग हमारे दोस्त नहीं है, वो डेविल्स है। इसके बाद हम सर्वे कॉप्स को ट्रेनिंग करते देखते हैं, जिसमें एरन अच्छा नहीं कर रहा था। एरन राइनर से कहता है कि मैं तुम्हारे और मिकासा जैसा ताकतवर क्यों नहीं हूँ, ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ हासिल किए बिना ही मर जाऊंगा। राइनर को एरन में अपना बचपन दिख रहा था,
इसीलिए वो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है, जो तुमसे बन पड़े वो करो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। तुम सभी टाइटंस को मारना चाहते हो ना, मुझे पता है तुम ये जरूर कर लोगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि राइनर एक राइफल लोड कर सुइसाइड करने ही वाला होता है। वो मेंटली डिस्ट्रॉय हो चुका था और डिप्रेशन से गुजर रहा है, लेकिन इसी टाइम उसे फॉल्को की आवाज आती है जो उसी रूम के बाहर ट्रेनिंग कर घर जा रहा था। और राइनर डिसाइड करता है कि उसे फॉल्को और बाकी के वॉरियर्स के लिए जिंदा रहना होगा। इसके बाद फॉल्को हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था और उसे वहीं घायल सिपाही मिलता है जिसकी हेल्प उसने पिछले एपिसोड में करी थी। फॉल्को उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम बोल सकते हो, मतलब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। वो घायल सिपाही उसे बताता है कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, वो बस नाटक कर रहा है क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहता। फॉल्को बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। वो आदमी पूछता है कि क्या तुम वॉरियर कैंडिडेट हो, जिस पर फॉल्को कहता है कि हाँ, लेकिन मैं वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि सुनकर अच्छा लगा, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मैं खुश हूँ कि तुम एक लंबी जिंदगी जियोगे। फॉल्को बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो दूसरा कैंडिडेट भी टाइटन बने। ये आदमी पूछता है लेकिन क्यों, क्या ये दूसरा कैंडिडेट एक लड़की है? जिस पर फॉल्को कहता है कि हाँ, वो यहाँ काफी फेमस है और सभी को पता है कि वो ही आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेगी, लेकिन मैं बहुत ही कमजोर हूँ। फिर ये आदमी बोलता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, इन लोगों को देख रहा हूँ जिनकी जिंदगी जंग ने बर्बाद कर दी है, क्योंकि कोई भी जंग में नहीं जाना चाहता है, लेकिन सभी को इस नर्क में भेजा जाता है। कुछ लोग दूसरों के कहने पर जाते हैं तो कुछ लोग अपनी मजबूरी की वजह से, लेकिन जो लोग खुद से हेल में जाते हैं वो इसके पार देख सकते हैं, जहां होप भी हो सकती है या फिर एक दूसरी तरह का हेल। किसी को नहीं पता आगे क्या होगा और ये जानने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना होगा। और यहां ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि ये घायल सिपाही कोई और नहीं बल्कि एरन है, जो कि शायद चुपके से मार्ली में घुस आया है, ठीक वैसे ही जैसे राइनर का ग्रुप पैराडिस में घुसा था। अंडरकवर होने के लिए उसने अपना एक पैर भी काट लिया है, जो वो अपनी टाइटन पावर से कभी भी हील कर सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बाकी दोस्त भी मार्ली में घुस आए हैं? क्या वो न्यूज़पेपर मैन जीन था और एरन मार्ली में क्या करने आया है? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में यस जरूर टाइप करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिए। और चौथा एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में। शुक्रिया।